अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज तक हमने बात की थी अबाउट मेल गैमिट या मेल गैमिटोफाइट, जिसमें हमने देखा कि जो एंथर है वो कैसे डेवलप होता है। एंड इन द अंदर वीडियो हमने देखा कि जो फीमेल गैमिटोफाइट है या जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसे डेवलप होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन जो है, इस पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ से आपको पता चलेगा कि जो इम्पोर्टेंस है इस पॉलिनेशन की वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनडेलिब्रेटली जो अरब के लोग थे अबाउट 3000 ईयर्स बिफोर, तकरीबन 3000 साल पहले जो अरब के लोग थे उनको पता था कि जो पोलन ग्रेन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो खजूर के फल होते हैं या जो खजूर बनता है, फ्रूट बनता है, उसमें पोलन ग्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसी तरह उसके बाद, ये तो एक हाइपोथेटिकल उनका था, उसके बाद जब लीवन हॉक ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर की, तब उसके बाद कुछ साइंटिस्ट्स ने काम करना शुरू किया। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था नेहमान ग्रिव, एन ग्रिव। तो इसने डिस्कवर किए सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसने कहा जो स्टैमिन होता है, दैट इज द मेल पार्ट, और जो कार्पल है दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो उसके बाद एक डिटेल ऑब्जर्वेशन जो की वो एक और साइंटिस्ट ने की, उसका नाम था कैमरेरियस। ठीक है, तो कैमरेरियस ने, इसने डिस्कवर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ही डिस्कवर्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, कैमरेरियस ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में डिस्कवर की। तो इसकी ऑब्जर्वेशन जो थी, इसने देखा कि एक प्लांट जो है, फॉर एग्जाम्पल इसने देखा एक मलबरी प्लांट, एक मलबरी प्लांट जो कि फीमेल था, फीमेल प्लांट। ठीक है, इसने देखा कि उसकी विसिनिटी में जहां पे ये ग्रो करता है वहां आसपास कोई मेल प्लांट इसका नहीं है, तो इसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो एबॉर्टिव होते हैं, एबॉर्टिव फ्रूट्स। दैट मीन्स उसमें फ्रूट्स बनते ही नहीं है क्योंकि वहां पे मेल प्लांट नहीं है। तो इसने कहा कि ये जरूरी है कि कुछ मेल का कंट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए। तो इसने इसी तरह कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। इसी तरह कैमरेरियस ने मेज में एक्सपेरिमेंट्स किए, इसने कुछ दूसरे प्लांट्स में भी एक्सपेरिमेंट किए। उन एक्सपेरिमेंट से इसने साबित कर दिया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रूट सेट, कि फ्रूट बनने के लिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में जो हमने बात की थी अबाउट मेल गैमीट या फीमेल एग जो था, तो हम ऐसे कहेंगे कि जो पोलन ग्रेन होता है, जो पोलन ग्रेन होता है
वो पोलन ग्रेन जो है वो हमें मेल गैमेट्स प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स मेल गैमेट्स। इसी तरह जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एग होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है, मैंने पहले ही कहा था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ऑलमोस्ट इन 60% ऑफ द प्लांट्स, ये पोलन ग्रेन जो है ये टू सेलड स्टेज पे रिलीज कर दिया जाता है, एंड इन 40% ऑफ द प्लांट्स ये रिलीज किया जाता है एट थ्री सेलड स्टेज, ठीक है। ये इसी तरह अगर हम देखेंगे, अब एक और चीज है, या ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें एग होता है, वो एग होता है कहाँ पे, ओवरी में। फॉर एग्जाम्पल जो आप लोगों को पता है, अगर ये स्टिग्मा है तो एक स्टाइल होती है और उसके बाद होती है ओवरी। इस ओवरी में होता है यहाँ पे एग, यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो उन ओव्यूल्स में अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसी तरह जो पोलन बनता है वो बनता है कहाँ पे, जो एंथर होता है वो इन एंथर के सैक्स में होता है, या जो स्पोरेंजिया होते हैं एंथर के अंदर तो यहां पे होते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम देखेंगे तो नाइदर दिस पोलन ग्रेन नॉर दिस एग, ना ही ये पोलन ग्रेन और ना ही ये एग, ये दोनों जो होते हैं ये इमूवेबल होते हैं या इमोबाइल होते हैं, दैट मीन्स ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। तो जरूरी है कि इन पोलन ग्रेन्स को यहां से एंथर में से ये निकलने चाहिए, फिर ये इस स्टिग्मा पे आने चाहिए, वहां से ये स्टिग्मा के थ्रू ग्रो करेगा और पहुंच जाएगा। तो इतना सारा प्रोसेस होना है, ठीक है, इतना सारा प्रोसेस होना है, दैट मीन्स ये एंथर से निकल के पोलन ग्रेन जो है इसको आना है कहाँ पे, स्टिग्मा पे, इसको आना है स्टिग्मा पे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर आइदर द डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। इस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनेशन है, जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन है क्या, इट इज द सिंपली हम कह सकते हैं इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये एंथर से निकल के पोलन ग्रेन जो है उसको पहुंच जाना है कहाँ पे, स्टिग्मा पे, ठीक है। उसके बाद ये वहां पे ग्रो करेगा, देन इट विल कॉज द फर्टिलाइजेशन, एंड इन फर्टिलाइजेशन के बाद ही वहां पे सीड बनेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये होने के लिए तो एक चीज जरूरी है, जो प्री रिक्वेस्ट है इसके लिए, जो पहले जरूरी चीज है इसके लिए, वो है पोलन ग्रेन का एंथर से बाहर निकलना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेहिसेनेस ऑफ एंथर, डेहिसेनेस ऑफ एंथर। जो एंथर है, जो एंथर में पोलन ग्रेन्स है, फॉर एग्जाम्पल अब हम यहां पे बनाएंगे, अगर ये एंथर है
इस एंथर में स्पोरेंजिया है, इन स्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। तो ये किसी न किसी तरीके से इस एंथर से निकालने हैं, जिसको हम बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो ये डेहिसेंस ऑफ एंथर कैसे होती है, या हम कह सकते हैं कि वहां पे दो चीजें जरूरी हैं, टू थिंग्स आर नेसेसरी, कि जिसकी वजह से ये डेहिसेंस हो जाएगा। अगर आपको पता है, मैंने आपको बोला था कि ये जो एंथर है इसमें बहुत सारी सेल लेयर्स होती हैं, जब इसका डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारी सेल लेयर्स इसमें बनती है, ठीक है, सेल लेयर्स इसमें बनती है। बट इसमें कुछ एरियाज होते हैं, इस एंथर में कुछ एरियाज होते हैं जहां पे थिन, वहां पे जो सेल्स हैं वहां पे थिन होती हैं, जिसको हमने बोला था स्टोमियम, जिसको हमने बोला था क्या, स्टोमियम। तो स्टोमियम रीजन जो है, ये स्टोमियम रीजन, वहां पे इसमें ज्यादा सेल्स जो है वो थिन होती हैं, वहां पे ज्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स नहीं होती हैं, ये एरिया जो है ये थिन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये यहां से ब्रेक कर जाता है, ठीक है, इन एरियाज में ब्रेक हो जाता है। मगर दूसरी बात है कि ये अगर एंथर ब्रेक हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, दूसरी बात है कि अगर ये एंथर ब्रेक हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ मैकेनिकल फोर्स चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। वो मैकेनिकल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, कि इसमें एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम लेयर। ये एंडोथीशियम लेयर जो होती है, इसमें मैंने बोला था कि इसमें होती हैं फाइब्रस थिकनिंग्स, फाइब्रस थिकनिंग्स। तो मैंने ये भी बोला था कि जो फाइब्रस थिकनिंग्स होते हैं, दीज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है, ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जिनकी वजह से ये थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं, फिर इनमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं, या जैसे ये स्वेल हो जाएगी तो वहां पे एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से ये स्टोमियम जो है ये ब्रेक हो जाता है एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स ग्रेन जो है वो टू सेलेड स्टेज पे रिलीज हो जाएगा या थ्री सेलेड स्टेज पे रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह पोलन ग्रेन अब रिलीज हो गया। अब पोलन ग्रेन जो है, अब ये रिलीज हो गया, तो अब इसको पहुंचाना है कहां पे, अब इसको पहुंचाना है ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अब इसको कौन पहुंचाएगा वहां पे, तो या तो ये इनडायरेक्टली जाएगा या तो ये डायरेक्टली जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनमें हमें पता है कि वो ओव्यूल्स जो उनके होते हैं वो नेकड़ होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के ओव्यूल्स क्या होते हैं, नेकड़ होते हैं, दैट मीन्स वो प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं। तो उनमें एक वहां पे ओव्यूल जो होता है उसमें एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, या उसको हम बोलते हैं पोलन चैम्बर, जहां पे पोलन वहां पे डिपॉजिट, वहां पे सारे पोलन जो है वो उसमें डिपॉजिट किए जाते हैं। तो इसमें उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन, कि ओव्यूल में सीधे पोलन ग्रेन जो है वो वहां पे डिपॉजिट किए जाते हैं। बट जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जिनमें प्रोटेक्टिव ओव्यूल होता है, अगर यहां पे हम देखेंगे फॉर एग्जांपल ये स्टिग्मा है, तो एग यहां पे है ओवरी में, ठीक है, ओवरी में इनसाइड जो एम्ब्रियो सैक होता है ओव्यूल के अंदर, मैं इसको यहां पे बनाऊंगा फॉर एग्जांपल, एम्ब्रियो सैक यहां पे है,
तो ये बहुत अंदर है, तो इसका मतलब है इस पोलन ग्रेन को कहाँ पे जाना है, यहाँ पे एग के पास, ठीक है। तो ये डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, ये इनडायरेक्टली जाएगा, ये पहले यहाँ पे स्टिग्मा पे आएगा, फिर वहां पे जर्मिनेट हो जाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, और उसके बाद ही ये इसमें एग में जा पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं जो प्रोटेक्टिव ओव्यूल्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉलिनेशन, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स जो एंथर से रिलीज हो गए हैं, इनको कुछ दूसरे एजेंसीज भी अपने साथ ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रॉस पॉलिनेशन में देखोगे कि कुछ इंसेक्ट्स पोलन्स को ले जाते हैं, कुछ एनिमल्स ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह विंड जो है वो ले जाती है, वाटर जो है वो ले जाती है, तो उनको हम बोलते हैं डिफरेंट एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। वो बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो इसी तरह जो है, अब ये पैस्यू या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉलिनेशन जो है, अब हम सीधे आते हैं कहाँ पे, जो पॉलिनेशन है, ठीक है। अब हम सीधे आएंगे पॉलिनेशन। तो मैंने कहा कि ये जो पॉलिनेशन है, ये है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये कैसे जाएगा? अब ये एनिमल्स के थ्रू जाएगा, या किसी एजेंसी के थ्रू जाएगा, या खुद ही हो जाएगा? अब यहाँ पे दो चीजें आप याद रखेंगे। अगर ये ट्रांसफर ऑफ पोलन होता है फ्रॉम द एंथर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, टू इट्स स्टिग्मा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं बना देता हूं, ये है फीमेल पार्ट, ये है थैलेमस, ये है पेडिसल, और ये है मेल पार्ट, ये है पेटल, ये है सेप। फॉर एग्जाम्पल ये है फ्लावर। अब अगर इस एंथर से पोलन निकल के इसी पे आएगा, इसी सेम फ्लावर पे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेल पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन। तो हम कहेंगे कि जो सेल पॉलिनेशन है, सेल पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर फॉल्स ऑन द सेम स्टिग्मा ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। तो इसमें जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं वो इसी के स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं, और उनकी वजह से पॉलिनेशन हो जाती है। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनमें मेल फ्लावर्स अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं, या अगर हम ऐसे कहेंगे कि एक प्लांट जो है, अगर एक प्लांट के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे एक प्लांट है, इसमें पोलन ग्रेन्स है, फॉर एग्जाम्पल इसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं, जिनमें सिर्फ मेल पार्ट्स हैं, इसमें फीमेल पार्ट नहीं है, बट जो दूसरा प्लांट है, यहां पे दूसरा प्लांट है, इस दूसरे प्लांट पे इसका फीमेल फ्लावर है। तो अगर हम देखेंगे कि जो फ्लावर्स हैं ये जेनेटिकली सेम है, क्योंकि प्लांट एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप मलबरी ले लो, मलबरी ट्री, ठीक है, वो डायोशियस होता है। जो डायोशियस प्लांट्स होते हैं, जिनमें मेल अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से जेनेटिकली तो दोनों सेम है ये फ्लावर्स, यहां से पोलन ग्रेन जो है वो किसी एजेंसी के थ्रू जाएगा यहां पे,
ठीक है, तो इस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, बट हम ऐसे कहेंगे जैसा कि अगर आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अगर आप देखोगे वहां पे लिखा होगा जेटिनोगैमी, जेटिनोगैमी, ठीक है, जेटिनोगैमी। तो ये जेटिनोगैमी जो है हम कहते हैं कि ये फंक्शनली जो है, फंक्शनली इट इज फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कि इसमें एजेंसी का इस्तेमाल होता है। इसमें पोलन ग्रेन जो है वो एक प्लांट से निकल के दूसरे प्लांट पे जाता है। तो अगर हम देखेंगे ब्रॉडली, अगर हम देखेंगे कि ये जो पॉलिनेशन होती है ये दो टाइप्स की होती है, पॉलिनेशन जो होती है ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, इसी तरह दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि या हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन जो है इसको हम इन ब्रीडिंग भी बोलते हैं, इसको हम इन ब्रीडिंग बोलते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन It is the transfer of pollen from the anther of one flower to the stigma of same flower. Stigma of same flower or different flower of the same plant. देखो मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन हो जाता है फ्रॉम एंथर, ठीक है, या तो उसी के एंथ उसी फ्लावर जो फ्लावर है, अगर फ्लावर में अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है उसमें एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। अगर एक ही फ्लावर अगर उसी का एंथर रप्चर हो जाएगा उसमें से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे उसी के स्टिग्मा पे पड़ जाएंगे, ठीक है, तब भी उसको हम क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। या अगर इसका पोलन किसी इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिर जाएगा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे बात करेंगे कि मान लो एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, इस प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसी तरह बहुत सारे फ्लावर्स इस प्लांट पे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे पड़ जाता है, ठीक है, तो उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। या अगर इस फ्लावर का स्टिग्मा इस पे पड़ जाएगा उसको भी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो यही मैंने लिखा कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, जैसे यहां पे था इसी के
ऊपर गिर गया, और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या इसका गिरेगा इस पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसमें पोलनिस जो होते हैं, जो ट्रांसफर किए जाते हैं एक ही प्लांट पे, ठीक है, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा से, एक ही फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन जो है उसी के स्टिग्मा पे पड़ जाते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोगैमी। तो हम, या इस तरह हम लिख सकते हैं कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एक है ऑटोगैमी, दूसरा है जेटिनो गैमी। अगर हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, ऑटो मीन्स गो सेल्फ, ऑटो इसकी मीनिंग होती है सेल्फ, गैमस का मतलब होता है मैरिज। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्लावर है, इस फ्लावर में फॉर एग्जाम्पल ये है मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, और ये है मेल पार्ट, अगर इसी का पोलन ग्रेन इसी के एंथर पे आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑटो गैमी, दैट मीन सेल्फ मैरिज, ठीक है। तो हम कहेंगे इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो ये हो गई ऑटोगैमी। इसी तरह जो दूसरी है जिसको हम बोलते हैं जेटिनोगैमी, जेटिनोगैमी ये होती है जो हमारी पहली डेफिनेशन का सेल्फ पॉलिनेशन में जो मैंने डेफिनेशन लिखी, उस सेल्फ पॉलिनेशन का जो दूसरा पार्ट है दैट इज द जेटिनोगैमी। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पोलन जो होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्लांट ले लेंगे, इस प्लांट में एक फ्लावर यहां पे निकला है, एक फ्लावर यहां पे निकला है। अब अगर फॉर दैट मैटर यहां पे पोलन ग्रेन है, वो किसी बी या किसी भी इंसेक्ट या किसी भी एजेंसी ने उठाया, वहां से इसने यहां पे लाया, तो अगर हम देखेंगे ये जो फ्लावर्स हैं दोनों जेनेटिकली सिमिलर हैं, क्योंकि ये एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, दे आर जेनेटिकली सिमिलर, इनमें जेनेटिकली कोई फर्क नहीं होता है। बट एक चीज आप याद रखेंगे, यहां पे एक एजेंसी होती है जो इसको कैरी करती है, इस पोलन ग्रेन को इस फ्लावर से कैरी करती है और इस फ्लावर पे ले आती है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं फंक्शनली ये होती है क्रॉस पॉलिनेशन, बट मोस्ट ऑफ द जो पॉलिनेशन इकोलॉजिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये जो जेटिनोगैमी है इट शुड बी ट्रीटेड एज क्रॉस पॉलिनेशन, ये है क्रॉस पॉलिनेशन, या हम तो हम ऐसे कह सकते हैं, कह सकेंगे इकोलॉजिकली एंड फंक्शनली, फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली दिस जेटिनोगैमी इज क्रॉस पॉलिनेशन, ये है क्रॉस पॉलिनेशन, ओनली जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जेनेटिकली फ्लावर सेम होता है, समझ आ रही है बात। तो इसी तरह जेनेटिकली हमने देखा कि ये है। अब यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है ये होती है मोनोशियस प्लांट्स में, ये आप याद रखेंगे,
सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है ये होती है मोनोएशियस प्लांट्स। मोनोएशियस प्लांट्स मीन्स के जहां पे दोनों सेक्सेस जो होते हैं, मेल एंड फीमेल जो होते हैं, वो एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। समझ आ रही है बात? जहां पे दोनों एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल आ रहा से। इसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। समझ आ रही है बात? कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द जेनेटिकली ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे एक प्लांट है फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल की बात करेंगे। एप्पल में फॉर एग्जाम्पल जो हम जो डेलिशियस होता है, ठीक है, डेलिशियस एप्पल जो होता है, अगर आप देखोगे उसमें एक फिनोमेनन होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। दैट मीन्स उसका पोलन ग्रेन जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता है कि उससे पॉलिनेशन हो सके। वो वायबल होता है बट उससे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरे एप्पल वैरायटी का उसमें पॉलिनेशन कर देते हैं। दैट मीन्स दूसरा अगर कोई है, अगर साथ में वहां पे ऑर्चर्ड में वहां पे कोई दूसरी वैरायटी है, फॉर एग्जांपल हम गोल्डन लेंगे, अगर इस गोल्डन का एंथर जो है या पोलन ग्रेन जो है वो इस डेलिशियस पे आ जाएगा, तो जेनेटिकली दो जो है ये जेनेटिकली डिसिमिलर है, ये जेनेटिकली सेम नहीं है, तो इस पॉलिनेशन को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसके लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं, उनको हम बोलते हैं या एडाप्टेशंस एडाप्टेशंस या उनको हम बोलते हैं कंट्रीवेंसीज। जो जरूरी होता है इसके लिए कंट्रीवेंसीज या एडाप्टेशंस जो होते हैं, तो सबसे पहला पहली बात जो है इसके लिए जरूरी है कि जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल होने चाहिए। हम कहेंगे कि वहां पे बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन उन प्लांट्स में पॉसिबल है, या हम ऐसे कहेंगे कि विद द हेल्प ऑफ या विद द पैसेज ऑफ एवोल्यूशन प्लांट्स जो हैं उन्होंने अडैप्ट किया है अपने आप को कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी या क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है बाइसेक्सुअलिटी। सबसे पहली जरूरत जो है इस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वो ये है कि एक प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बात है जिसको हम कहते हैं होमोगैमी, जिसको हम कहते हैं होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब ये है कि एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर जो है वो दोनों एक ही टाइम में मैच्योर होने चाहिए। ठीक है, दे शुड मैच्योर एट द सेम टाइम, तो उसको हम बोलते हैं, तो हम कहेंगे कि एंथर
एंड स्टिग्मा शुड मैच वर एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम. ठीक है, दैट मीन्स एंथर मैच्योर हो जाएगा उसी टाइम जो स्टिग्मा है वो भी रिसेप्टिव होना चाहिए, वो भी मैच्योर होना चाहिए ताकि वो पोलन ग्रेन को वहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके कि वो जर्मिनेट हो जाएगा और उसमें एग जो है अंदर मैच्योर हो गया होगा जिसमें फर्टिलाइजेशन फिर हो सकती है. इसी तरह थर्ड जो इंटर जो कंट्रवेंसी है या जो एडाप्टेशन है वो है बर्ड पॉलिनेशन, वो है बर्ड पॉलिनेशन. कुछ प्लांट्स जो हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह अडाप्ट किया है कि उनके फ्लावर जो हैं वो बर्ड कंडीशन में ही होते हैं, तो उनका अंदर ही जो हम कह सकते हैं कि जो एंथर है और स्टिग्मा है वो दोनों बर्ड के खुलने से या फ्लावर ओपनिंग से पहले, फ्लावर ओपनिंग से पहले ही वो मैच्योर हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, अगर आप पी प्लांट देखोगे, राइस या वीट देखोगे, तो थर्ड जो है वो है बर्ड पॉलिनेशन, कि इनके बर्ड में ही पॉलिनेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल पी अगर हम लेंगे, इसी तरह अगर हम लेंगे वीट या राइस. ठीक है, तो इन बर्ड पॉलिनेशन यानी कि अभी फ्लावर खुलता ही नहीं है. अगर आपने देखा होगा, अगर आप आज देख सकते हो तो पी का जो प्लांट है उसमें आज फ्लावर्स आ गए हैं, तो आप उनका फ्लावर जो है वो अभी ओपन नहीं हो जाएगा, उसमें पॉलिनेशन अंदर हो चुकी होती है तब वो उसके बाद ओपन हो जाएगा. ठीक है, एक और बात यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ जो आप या हम आगे चल के अभी बोलेंगे. वो तो तीन हो गए, एक हो गया बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा हो गया होमोगैमी, तीसरा हो गया जिसको हम बर्ड पॉलिनेशन बोलते हैं. एक और होती है जिसको हम बोलते हैं फेल सेफ डिवाइस, फेल सेफ डिवाइस. ये फेल सेफ डिवाइस जो है, फेल सेफ इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो फेल हो जाती है. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो फेल हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे मेराबिलिस, मेराबिलिस जलापा जिसको हम बोलते हैं फोर ओ क्लॉक, फोर ओ क्लॉक. ये फोर ओ क्लॉक प्लांट जो है अगर आप इसमें देखोगे, जब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाती है तब इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लावर है, ये फ्लावर का करोला का ट्यूब होता है, इसमें ऐसे इसमें एक लंबा सा ट्यूब होता है और यहाँ पे फ्लावर ऐसे होता है. तो अगर आप देखोगे इसमें होता क्या है, इसके जो एंथर्स होते हैं उनके फिलामेंट्स जो हैं वो बेंड कर जाते हैं. उनको उसको हम बोलते हैं फिलामेंट बेंडिंग. या कुछ प्लांट्स जो है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं कोमिलाइना, कोमिलाइना बेंगलेंसिस. ये कोमिलाइना प्लांट जो होता है इसमें फॉर एग्जांपल अगर ये करोला ट्यूब है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होते हैं एंथर्स. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो स्टिग्मा है या जो स्टाइल है वो स्टाइल ग्रो करती है ऐसे. जब वो ग्रोथ करती है तो वो टच करती है यहाँ पे जो स्टिग्मा है, ये बाहर इसकी जब ग्रोथ हो जाती है स्टाइल की, तो जब ये निकलती है तो ये ब्रश करती है या इनके साथ टच हो जाता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स जो है वो इस पे, या फॉर एग्जांपल ओकरा जो है
एबलमोस्कस, एस्क्यूलेंटम। ये एबलमोस्कस एस्क्यूलेंटम जो है ये मालवेसी का है, जिसको हम बोलते हैं बिंडी, लेडीज फिंगर मालवेसी। अगर आप देखोगे इसमें जो एंथर होता है, या इसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस जो सारे एंथर्स होते हैं वो एक ही बंडल में होते हैं। अगर आप देखोगे वहां पे फॉर एग्जांपल ये अर्लियर स्टेज में यहाँ पे एक फ्लावर का ये होता है, अंदर जो यहाँ पे एक स्टैमिनल ट्यूब होता है, स्टैमिनल ट्यूब होता है, उस स्टैमिनल ट्यूब में ऐसे होते हैं शॉर्ट एंथर्स, बहुत सारे एंथर्स जो होते हैं वो इन ए फॉर्म ऑफ बंडल होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन, एंथर्स आर इन वन बंडल। तो ये जो है ये भी प्रोट्रूड करता है, जो स्टिग्मा है या फिलामेंट जो है, या सॉरी जो स्टाइल है वो स्टाइल बियॉन्ड दिस निकल जाती है, ठीक है। तो जब वो निकल जाती है तो एंथर जो है ये थोड़े से ये ग्रो कर जाती है। अब एंथर्स थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, और जब ये निकलते हैं तो ये टच करते हैं स्टिग्मा को, और स्टिग्मा जो है उस पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह मान लो इनमें एंश्योर किया जाता है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी, बट अगर कभी फेल हो जाएगी तो ये प्लांट्स जो हैं ये कुछ एडाप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरह कुछ प्लांट्स जो हैं, अगर आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल सनफ्लावर जो है, सनफ्लावर में जब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती है तब उसमें क्या होता है, उसमें जो स्टिग्मा होता है वो बाइफिड होता है, दैट मीन्स वो इस तरह होता है, ये स्टिग्मा होता है ऐसे। तो ये स्टिग्मा जो है ये कर्व कर जाता है ऐसे, और एंथर्स को टच करता है, ठीक है। तो यहां से जो एंथर निकलता है उसके साथ ये टच करता है। तो इस तरह होते हैं, इनको हम बोलते हैं फेल सेफ डिवाइसेस। या तो जो स्टाइल है वो ग्रोथ करेगी और बेंड हो जाएगी, या तो स्टिग्मा ही है वो जो फिलामेंट उसका है, जो एंथर का फिलामेंट होता है, सॉरी जो स्टेमन का फिलामेंट होता है वो कर्व कर जाता है। तो ये हैं कुछ फेल सेफ डिवाइसेस। और इसके बाद जो एक और चीज है वो है नॉन डहेसेंट एंथर्स। नॉन डेहिसेंट एंथर्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एंथर जो है वो फॉर एग्जांपल ओपनी नहीं होता है, जैसे मैंने बोला था कि उसमें स्टोमियम होती है, वो स्टोमियम के वहां पे रप्चर हो जाता है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनमें एंथर जो है वो ओपन ही नहीं होता है। तब क्या करता है, जो फॉर एग्जांपल अगर ये एंथर है ये रप्चर ही नहीं हो रहा है और अंदर क्या है पोलन ग्रेन्स, तो ये जो पोलन ग्रेन है ये यहीं पे जर्मिनेट हो जाएगा, ये यहीं पे पोलन ट्यूब बनाएगा, और वो पोलन ट्यूब इसके वॉल्स के थ्रू ही निकलेगा, ठीक है। इनके वॉल्स के थ्रू ही निकलेगा, ये स्टिग्मा पे आ जाएगा और उस तरह से पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं नॉन डहिसेंट एंथर्स, जो एंथर्स पोलन ग्रेन्स जिससे बाहर नहीं निकलते हैं उनको बोलते हैं क्या, नॉन डहिसेंट एंथर्स। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लिस्टोगैमी, वो है क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी जो है, या इससे पहले मैं एक और चीज बोलूंगा, जो फ्लावर ओपन होते हैं उन फ्लावर्स को हम बोलते हैं चेस्मोगैमिक फ्लावर्स, चेस्मोगैमिक फ्लावर्स।
जेस्मोगैमिक फ्लावर्स वो होते हैं जो ओपन होते हैं और अपने सेक्स ऑर्गन्स को एक्सपोज करते हैं, ओपन एंड एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन्स, उनको हम बोलते हैं जेस्मोगैमिक फ्लावर्स। इसी तरह कुछ फ्लावर्स होते हैं दे नेवर ओपन, दे नेवर ओपन, उनको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमिक फ्लावर्स। हम ऐसे कहेंगे दे डोंट ओपन एट ऑल, डोंट ओपन एट ऑल। ये वाले पॉइंट्स जो है जेस्मोगैमिक फ्लावर्स, क्लिस्टोगैमिक फ्लावर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखोगे, ये आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट में है ये उसमें दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट में जो पॉइंट्स आते हैं यू हैव टू फोकस ऑन दैट, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। वहाँ पे कुछ एग्जांपल देंगे दिए गए हैं इस क्लिस्टोगैमी में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वन एग्जाम्पल इज वहाँ पे है ऑक्सैलिस, अनदर इज वायोला जिसको हम कॉमन पैंसी बोलते हैं, और कॉमिलेना। कॉमिलेना बैंगलेंसिस, ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट में दिए गए हैं। अगर आप देखोगे ये जो फ्लावर्स होते हैं, सॉरी ये जो प्लांट्स होते हैं, इस कॉमिलेना को अगर हम लेंगे तो इसके जो अपर वाला पोर्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट जो होता है, इस टाइप का प्लांट होता है, अगर आप देखोगे इस प्लांट पे जो अपर वाला पोर्शन होता है वहां पे होते हैं, या आप एक बात याद रखोगे इन प्लांट्स में ऑक्सैलिस, वायोला एंड कॉमिलाइना, इन तीनों प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जेस्मोगैमिक जो इजीली ओपन होते हैं, और कुछ होते हैं क्लिस्टोगैमिक, क्लिस्टोगैमिक फ्लावर्स। जो ऊपर वाले फ्लावर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, ब्लू कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है, बट इसमें कुछ पार्ट जो होता है वो सबटेरेनियन होता है, यानी कि जो जमीन के नीचे होता है, इसका राइजोम होता है, इस राइजोम पे कुछ फ्लावर्स आते हैं वो कभी ओपन नहीं होते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं। या इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हो, जो और दो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा, राइस है उसमें तो फ्लावर्स कभी ओपन ही नहीं होते हैं, इसी तरह एरेकिस है, एरेकिस हाइपोजिया जिसको हम बोलते हैं मूंगफली, ठीक है, तो इनमें भी फ्लावर्स जो है वो ओपन नहीं होते हैं। अब इन तीन प्लांट्स में दो टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं, जो ऊपर होते हैं, ठीक है, जो ऊपर होते हैं जमीन के ऊपर होते हैं वहां पे ओपन फ्लावर्स होते हैं जिनको हम जेस्मोगैमिक फ्लावर्स होते हैं, और जो जमीन के नीचे फ्लावर्स होते हैं उनको हम क्लिस्टोगैमिक फ्लावर्स होते हैं, या जो नीचे पोर्शन में इनके फ्लावर्स होते हैं वो ओपन नहीं होते हैं। तो जो फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते हैं उनमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, वहां पे जो सेल, वहां पे तो सेल्फ पॉलिनेशन होनी ही होनी है, और वहां पे फ्रूट सेट तो होना ही होना है, समझ आ रही है बात, वहां पे फ्रूट सेट भी होगा
और वहां पे पॉलिनेशन भी होगी क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, ठीक है। एंड आप याद रखेंगे ये जो कोमिलाइना है एंड एराकिस है, अब मैं यहां पे लिखूंगा कोमिलाइना एंड एराकिस, इनमें हम कहेंगे जो क्लिस्टोगैमी है दैट इज फॉलोड बाय जियोकार्पी, जियोकार्पी मतलब कि जो सीड है वो जमीन के नीचे बनता है, इसलिए आप देखोगे कि जो मूंगफली है वो जमीन के नीचे बनती है। अब मैं आपको इस क्लिस्टोगैमी के बारे में कुछ एक अहम चीज बताने जा रहा हूं। अगर आप देखोगे एक जगह है जिसको हम बोलते हैं टिम्बकटू, टिम्बकटू ये डेजर्ट है, एक जो टिम्बकटू डेजर्ट है वहां पे अगर आप देखोगे जो ग्राउंड टेम्परेचर थ्रू आउट द रियर होता है वो होता है 70 to 80 degrees Celsius, 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, कहाँ का जो ग्राउंड के ऊपर टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो वहां पे प्लांट्स होते हैं और जो फॉर एग्जाम्पल अप टू द हाइट ऑफ द ह्यूमन, जो इंसान की हाइट के बराबर फॉर एग्जाम्पल नियर अबाउट 170 सेंटीमीटर्स हाइट जो होती है, इतनी सी हाइट जो होती है 170 सेंटीमीटर की हाइट जो होती है वहां पे टेम्परेचर जो है वो 30 to 40 degree रहता है। तो इतना सारा टेम्परेचर डिफरेंस है 5 feet में या 6 feet में इतना सारा डिफरेंस हो जाता है टेम्परेचर में। तो वहां पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं जो ग्राउंड के पास फ्लावर्स होते हैं वो दे नेवर ओपन। और जो ह्यूमन हाइट या 170 सेंटीमीटर के अबो जो फ्लावर होते हैं या इस हाइट पे जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो 70 to 80 degree centigrade टेम्परेचर है उस पे कोई इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन नहीं करता है, वो जमीन पे बैठता ही नहीं है क्योंकि जमीन में वहां पे जमीन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे जो फ्लावर्स हैं वहां पे जो प्लांट्स हैं वो क्लिस्टोगैमी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्लिस्टोगैमी है, अगर हम कहेंगे कि ये जो क्लिस्टोगैमी है इट इज द परफेक्ट ऑटोगैमी, इट इज द परफेक्ट ऑटोगैमी। यही है कि अगर जो एक और चीज आप याद रखेंगे वो आप ऐसे समझेंगे कि अगर जो फ्लावर ओपन होता है जिसमें एंथेसिस होती है, फ्लोरल ओपनिंग को हम बोलते हैं एंथेसिस, एंथेसिस इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर ओपन होता है उस पे तो कोई ना कोई बैठेगा कोई इंसेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम हॉनी बी की बात करेंगे, हॉनी बी तो यूजुअली अगर आप देखोगे एक हॉनी बी एक दिन में मोर देन 30,000 फ्लावर्स को ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल अब एक प्लांट हम लेंगे जिसमें बहुत सारे फ्लावर हैं, वो एक प्लांट से उठ के एक फ्लावर से उठ के दूसरे पे, दूसरे से उठ के तीसरे पे, इसी तरह वो बहुत सारे फ्लावर्स को विजिट करेगी। तो ये हम कहेंगे कि जो फ्लावर ओपन होता है वो कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो या हम किसी और तरीके से कहेंगे कि उसमें कुछ मिलावट होती है, वो कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह जो जो क्लिस्टोगैमी है, क्लिस्टोगैमी इज द परफेक्ट, क्योंकि उसमें सवाल ही, क्योंकि फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता है। राइस में जब कभी फ्लावर ही नहीं ओपन होगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दीज वायर ये हैं कुछ कंट्रोवेंसीज या कुछ जरूरियात जो इस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। अब आप याद रखोगे एक और चीज है, अब हम देखेंगे कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है,
What is the significance of this self pollination? Significance इसकी ये है कि इसमें या हम ऐसे कहेंगे it's not a wasteful process, not wasteful. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप देखोगे जिन प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होती है वहां पे पोलन ग्रेन्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वहां पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स उनको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं. उन पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है या उसको ज्यादा उनको नरिश करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम कहते हैं दैट इज द वेस्टफुल प्रोसेस. या उसमें हम ऐसे कहेंगे कि जब फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि एक मेज प्लांट जो है या हैम्प का प्लांट है उसमें इतने सारे पोलन होते हैं तो वो कैरी हो जाते हैं, उनको कैरी करती है फॉर एग्जांपल विंड. जब उनको विंड अपने साथ ले जाती है तो उसमें से बहुत सारे पोलन जो है वो अपने डेस्टिनी तक नहीं पहुंचते हैं, वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंचते और हम कहेंगे कि रास्ते में ही वो खत्म हो जाते हैं. फ्लावर पे आने से, स्टिग्मा पे आने से पहले ही वो खत्म हो जाते हैं. तो ये है एक इसका हम ये कहेंगे कि इसका ड्रॉबैक है किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का, कि वहां पे बहुत सारे वेस्टेज हो जाते हैं पोलन इसके. बट इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे पोलन अगर कम ही होंगे या प्लांट को बहुत कम पोलन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जब प्लांट को बहुत कम पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे तो दैट मीन्स इट इज़ द एडवांटेजियस थिंग फॉर दिस. दूसरी चीज़ ये है, ये एक चीज़ है. दूसरी ये है कि इससे प्योरिटी बढ़ जाती है, इससे प्योरिटी इंक्रीज होती है. That means इसमें होमोजाइगोस्टी इंक्रीज हो जाती है. जब हमेशा एक ही पोलन जो फ्लावर है उसके अंदर जितने सारे एंथर में कैरेक्टर्स हैं वो हमेशा उसी में चले जाएंगे, तो दूसरे साल उसी में वही कैरेक्टर्स फिर से आ जाएंगे, तीसरे साल वही, तो कंटिन्यूसली जितने सारे ये कैरेक्टर्स हैं ये कैरेक्टर्स सारे के सारे उसमें प्योर बन जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्योर लाइन. तो इसमें प्योरिटी आती है बाय फॉर्मेशन ऑफ प्योर लाइन, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप 5 या 6 जनरेशन तक किसी प्लांट को ग्रो करते हो तो उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो अब प्योर कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं होती है. तो सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू द होमोजाइगोस्टी या एंड प्योरिटी ऑफ द प्रोजेनी जो इससे होती है. और जो थर्ड है, अब कंटिन्यूअस, अब इसके एक कुछ वो इसका ड्रॉबैक भी है. फॉर एग्जांपल इसे होमोजाइगोस्टी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. जब इसमें होमोजाइगोस्टी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाती है क्योंकि नया कोई करेक्टर इसमें आता ही नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इस प्लांट में जो सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में अडेप्टेबिलिटी या इम्यूनिटी जो है, डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है. यानी कि ये इसका ड्रॉबैक है कि इससे इम्यूनिटी या डिजीज रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है. या इसी तरह जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो यील्ड पे पड़ता है. यानी कि अगर हम कंटिन्यूअसली एक ही वैरायटी को जो सेल्फ पॉलिनेटेड है उसको बहुत सालों तक हम उसको ग्रो करेंगे तब उसमें एक वक्त आएगा कि उसका यील्ड जो है वो बहुत कम हो जाएगा. ये यील्ड डिक्रीज होना उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन. तो इसी तरह ये है कुछ, ये थी इसकी कुछ सिग्निफिकेंस और ये है उसके ड्रॉबैक्स. इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि क्योंकि कंटिन्यूअस जितना हम इसको करेंगे तो इसमें रिसेसिव जो प्रोजेनी है या
इसमें जो होमोजाइगोसिटी है या रिसेसिव एलील्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो होमोजाइगस हो जाएंगे, तो होमोजाइगोसिटी की वजह से वहाँ पे यील्ड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, इसकी डिजीज रेजिस्टेंस या एडेप्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें रिसेसिव, इसमें कोई नया करेक्टर नहीं आता है, या इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि वेरिएशंस वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये होता है सेल पॉलिनेशन। एंड इन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन।